नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, मात्र दो दिन बचे हैं, हो जाइए सावधान। अगर दो दिनों तक आपने यह गलतियां नहीं की तो आने वाला आपका पूरा महीना सफल हो जाएगा और आप चैन की जिंदगी जीने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी के जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है और आने वाला यह दो दिन आपके लिए क्या शुभ एवं क्या अशुभ परिणाम लेकर आएगा, क्या क्या खुशियां मिलेगी और किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसकी जानकारी केवल और केवल आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ साथी दोस्तों, वीडियो के अंत में हम एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो कि ये उपाय बहुत ही लाभकारी एवं कारगर है। दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा और यह उपाय लेकर ही जाइएगा। दोस्तों सबसे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और माता रानी से सच्चा प्यार करने वाले, वीडियो को एक लाइक करके साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में तीन बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके जो भी सारे कष्ट हैं हर लेगी। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं यह दो दिन आपके लिए ग्रह सितारे क्या कहते हैं। शुरुआत करेंगे एक छोटा सा अनमोल विचार से। दोस्तों हमारे गुरु जी कहते हैं, इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है मगर फल भोगने में नहीं। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा राधे राधे, जय हो सांवरिया शेठ की। आइए दोस्तों अब जानते हैं। दोस्तों यह दो दिन किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्यों से आपको दूरी रहना होगा, अन्यथा आपके ऊपर गलत आरोप लग सकता है और आपको बेवजह फंसाया जा सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय दूसरों के मामलों में ज़्यादा दखल अंदाजी करने की बजाय अपने कार्यों पर ही अधिक से अधिक ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ही आएगा। प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी कार्य में रुकावटें आ सकती है जिसकी वजह से टेंशन रहेगी, लेकिन आपको ऐसे समय में देखिए तनावग्रस्त होकर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना आपके लिए उचित रहेगा और उनका आपको समाधान भी मिल जाएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आप अपने स्वभाव में ईगो और गुस्से की स्थिति जो है आने न दें, इसकी वजह से कई बनते हुए काम भी बिगड़ सकती हैं और किसी भी संबंध को मधुर बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बेहतर होगा कि इस समय छोटी मोटी बातों को, नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अचानक किसी खास मित्र के साथ आपकी मुलाकात होगी और किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श होंगे। साथी दोस्तों धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय लगाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा रहेगी। देखिए ईश्वर भक्ति मनन चिंतन करने से आपकी जो है टेंशन खत्म होगी और नकारात्मकता आपके अंदर हावी नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए विरोधी आपका दुश्मन सक्रिय रहेंगे, आपको उनसे थोड़ा बचकर रहना होगा। आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश भी कर सकती हैं, लेकिन जितना हो सके आप देखिए अपने ठंडे दिमाग से काम कीजिए और उलझना आपके लिए दिक्कत और परेशानी खड़ी कर सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय समय की कीमत पहचाने, उचित समय पर काम न करने से आपको नुकसान होगा। भटकाव की वजह से बच्चों की पढ़ाई से ध्यान हटकेगा और घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखकर बनाकर रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय नकारात्मक विचारों को
अपने अंदर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी अनुभवी लोगों के संपर्क में कुछ समय व्यतीत करें अथवा एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामला जो है आपका सुलझ सकता है, हालांकि किसी सरकारी व्यक्ति की मदद से भी हल हो जाएगा। ऐसे में आपको अपने जो है मनन और ऊर्जा बनाए रखना होगा, ये आपके लिए उचित रहेगा। साथी दोस्तों, आज कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना बेहद ज़रूरी है। बातचीत के दौरान उचित शब्दों का ही प्रयोग करें तो आपके लिए उचित रहेगा। यह भी ध्यान रखें कि गुस्से और जल्दबाजी की वजह से कुछ काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको इस समय खासकर गुस्सा करने से बचना होगा और जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपके व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय कार्य विस्तार संबंधित योजनाओं में कुछ परेशानी, कुछ रोड़ा जो है आएंगी, परंतु समय रहते समाधान भी अवश्य मिल जाएगा। सहयोगियों और स्टाफ का पूर्ण सहयोग बना रहेगा, लेकिन ऑफिस में जो सहकर्मी है वही आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच सकती हैं, इसलिए उनसे अभी आपको थोड़ा सावधान और नज़र बनाए रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय उत्तम नहीं है और आपको इस समय किसी भी प्रकार की नए काम शुरू करना परेशानी दे सकता है। लेकिन देखिए, वर्कशॉप की गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। नौकरी पैसा वाले व्यक्ति उच्च अधिकारियों के साथ किसी वाद विवाद में अभी आपको पड़ने से बचना होगा। साथी दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनाए रखना, परिवार के साथ कुछ परेशानी समय जो है व्यतीत करना आपके लिए समय खुशनुमा रहेगा और आपका प्रेम जीवन काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना रहेगा। साथी दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय घर परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, परिवार के संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। किसी मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी बन सकती है और आपको इस समय अपने जो है पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना होगा, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथी दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी सेहत को लेकर बात करें तो यह समय स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, लेकिन आपको सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है, उनसे आपको बचना ही अच्छा रहेगा। गैस बनने वाली चीज़ों का सेवन अभी आप ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मॉर्निंग वॉक जरूर करें, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब समय आ चुका है उपायों की, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर पीपल को कोको चावल चढ़ाकर कहें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान करें, और दूध व मिश्रित चढ़ाकर प्रणाम करके घर चले आए। फिर देखिएगा, आपकी जो परेशानी समस्या है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी आपके दिल में है उनका नाम जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे।